फरहत अलबाबर ने जजेस की तकरीरों और प्रमोशंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अख्तियार महदूद करने की तजवीज़ दे दी है। फरहत अलबाबर ने कहा है कि जजेस की नामजदगियों और तरक्कियों का मौजूदा निज़ाम अदलिया को सिर्फ जजेस के लिए और जजेस के ताबे बनाता है, इस तासुर को मुस्तहकम नहीं होने देना चाहिए। फरहत अलबाबर ने कहा है कि इस बयान का मकसद किसी की तजलील करना नहीं है। जस्टिस काजी फैजीसा का हालिया खत भी इस हवाले से एक अपील है। 18वीं तरमीम में जजेस की तकरीरों का तरीक़ाकार वज़ा ना करना पार्लियामान की गलती थी। 19वीं तरमीम में अदालतों के एहतसाब को मज़ीद कमज़ोर बनाना भी पार्लियामान की गलती थी। गुज़िश्ता 12 साल का तजर्बा जाहिर करता है कि जजेस की तकरीरी के तरीक़ाकार में तरमीम की ज़रूरत है। फरहत अलबाबर ने कहा है कि बाहमी लड़ाई की बीमारी सिर्फ पार्लियामान और सियासतदानों तक महदूद नहीं है बल्कि दीगर इदारों तक फैल गई है। मुआशरे और इदारे तकसीम का शिकार हो रहे हैं। अफसोस से ज़्यादा ये ख़तरनाक अमर है।